अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू लाहौर देखावे एल टी के। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। हम बनाने जा रहे हैं आज दो प्याज़ा भिंडी। सबसे पहले मैं 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है और ये 1 केजी मैंने प्याज को बारीक कटिंग करके उसके अंदर ऐड कर लेना है। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हमने इसको स्लाइटली इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने भिंडी काट कर इसके अंदर लेडी फिंगर भी कहा जाता है। और ये रेसिपी मेरी उन लोगों के लिए है जो गोश्त नहीं खा सकते, सिर्फ वेजिटेरियन है या किसी वजह से गोश्त नहीं खा सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी है, तो ये मैं उनके लिए रेसिपी बना रही हूँ। तो ये मैंने ली है, एक आम लिया है, कच्चा आम जो होता है उसको छील कर उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसको इसी तरीके से अंदर का टास्क पैदा करने के लिए अमचूर की जगह हम जैसे कि आम का मौसम है तो ये डालेंगे। ये मैंने 500 ग्राम टोमेटो लिए हैं, रेड चिली पाउडर लिए हैं, हसबे जायका मैंने 4 स्पून डाला है, टर्मरिक पाउडर 1 स्पून डाला है और जिंजर गार्लिक भी हमने अपने हिसाब से जैसे कि होता है कि 4 से 5 अदद हमने लहसुन लिए हैं और अदरक का 5 इंच का टुकड़ा लिया है। इसको हमने छील कर लेना है, बारीक कूट लेना है। जैसे इमाम जिस्ता जो होता है या चट्टू बट्टा जो होता है उसके अंदर कूट कर हम इसको प्याज के साथ ही इसको भी फ्राई कर लेंगे और ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज और भिंडी जो हमने फ्राई की है, टमाटर वगैरह मसाले जो भी हैं सबको हम एक साथ हम इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाता है नमक जो हम सबसे एंड में डालेंगे, हसबे जायका नमक होता है। और उसको फिर हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम पर रखा है, ऊपर से गार्निश किया है मैंने सब्ज़ मिर्चों के साथ जो ऐसे ही मैंने इसके अंदर डाल दी है। जैसे कि हम पकने के बाद अपनी चॉइस होती है कि इसको हम मिक्स करके खाते हैं या एज इट इज़ ऐसे छोड़ देते हैं। जो ज़्यादा चटपटे के शौकीन होते हैं वो ज़रूर इसको खाते हैं। और ये मेरी झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आप उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत डिलीशियस है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसका नाम है भिंडी दो प्याज़ा। इसको मैं प्रेजेंट किया बहुत खूबसूरत सी प्लेट के अंदर और ये बहुत ही लुक वाइज बहुत मज़े की बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन के बटन को कीजिएगा प्रेस। लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।